हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम तंगड़ी मुमताज़ ही बनाने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने 500 ग्राम खीमा लिया है। उसमें हम लोग जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डालेंगे। टेस्ट अनुसार उसमें नमक डालेंगे, टेस्ट मुजब। उसमें थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे, कटा हुआ पुदीना डालेंगे, आधा कप आटा डालेंगे, घी का आटा, एक अंडा डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, दो प्याज है ये, अब हम उसको मिक्स कर देंगे। अब हमें तंगड़ी मुमताजी का व्हाइट सॉस बनाने जा रहे हैं। उसमें 2 चम्मच लो फैट चीज, 1/4 कप क्वांटिटी हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। क्वांटिटी कितनी किसी को बनाना है वो तो नहीं पता चलेगा, तो आपको इस तरह से लेना है। एक बड़ा चम्मच कुकिंग क्रीम, मज़रोला चीज, आप देख सकते हो क्वांटिटी इतना मज़रूला चीज, काली मिरी का पाउडर 1 टीस्पून, छोटी टीस्पून, 1 नींबू का रस, 1/4 शक्कर शुगर 1 टीस्पून, छोटी टीस्पून, और थोड़ा सा नमक, और इसमें अब कोथमीर और पुदीना इसमें भी हम लोग डालेंगे। अब ये व्हाइट सॉस हमारा बन के तैयार है। हम लोग अब इसको हिला के सेट करके अभी रखते हैं। अभी हमारा खीमे का मसाला कबाब के लिए तैयार है बन के। अब हम लोग ने इसमें 12 ड्रमस्टिक लिए हैं चिकन के, और उसमें एक एक होल करना है अंगूठे से, होल करके उसमें कबाब छोटा छोटा बना के उसमें रखना है। ये अब हमारी तंगड़ी मुमताज है। उसके अंदर अब होल जो बनाए थे उसमें हमने एक एक कबाब रख दिया है, और ये व्हाइट सॉस में हम लोग ने उसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अभी हमारी तंगड़ी मुमताज ही तैयार है। अब उसको हम पकने के लिए ओवन में रखेंगे, और ये पके तो इतना ध्यान रखना है कि उसमें से कुछ लिक्विड ना रहे, ऐसे ही थीजा हुआ और गाढ़ा रहे। अब हमारी तंगड़ी मुमताजी तैयार है बनके, आप देख सकते हो। आप इसको परोठे में भी खा सकते हो, रोटी में भी खा सकते हो। ये हमारी तंगड़ी मुमताजी तैयार है।